हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं और काफ़ी ऐसे कमेंट्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं और शायद आप सभी के माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊं। तो अभी जो काफी मेन कमेंट्स आए हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं, आप सभी के माइंड में भी वो क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राहुल शर्मा जी का कमेंट आया है। राहुल जी लिखते हैं, सर 87/17 स्पेशल एजुकेटर में 87.5 है जनरल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अब क्या होगा। तो राहुल जी, जो स्पेशल एजुकेटर हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, तो इनका ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है और इनमें जो वैकेंसीज हैं वो भी पूरी नहीं हुई हैं। साथियों, आपको बता देता हूं, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं और एजुकेटर्स हैं उनकी वैकेंसीज भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों पे, स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर्स, इन सभी पे केस चला हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला आगे। हालांकि जो साथी पास हुए हैं उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा, उम्मीद यही है। तो अभी देखते हैं जी कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, लेकिन आपके लिए हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बेनिफिट मिले। इसके बाद इंदु जी लिखते हैं, 30 सितंबर वालों का शायद ही कोई सिलेक्ट हो स्टूडेंट एमसीडी पीआरटी। तो इंदु जी ने जो कमेंट किया है ये कहना चाहते हैं कि 30 सितंबर वालों में शायद ही कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हो। इंदु जी, ऐसा नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट है, सभी के सामने है। 30 वालों का सेकंड पार्ट औरों की तुलना टफ था और उनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा और मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी के 10 नंबर आ रहे हैं सेकंड में तो वो गलत है। ऐसे नहीं कि जो जिनके 10 नंबर आ रहे हैं उनको भी पास कर दें, तो ये सब गलत है। लेकिन जिनके थोड़े कम नंबर रह गए हैं, कंडीशन के आसपास है, तो 5-7-10 नंबर तक उनको बेनिफिट मिलेगा और मिलना चाहिए। इसके बाद आरती जी लिखते हैं, पीजीटी के रेस्ट ओवर रिजल्ट तो आ जाने चाहिए इस मंथ में, अगस्त में एग्जाम हो गया था, अभी तक नहीं आए, 5-6 मंथ हो गए हैं एग्जाम हुए। इस अकॉर्डिंग तो पीआरटी, जो एमसीडी पीआरटी है, एमसीडी पीआरटी के एग्जाम हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो आरती जी कहना चाहते हैं कि पीजीटी के रेस्ट ओवर जो रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स रहते हैं वो आ जाने चाहिए, क्योंकि अगस्त में एग्जाम हो गया था, 5-6 महीने हो गए, तो रिजल्ट है जो आ जाना चाहिए। लेकिन इस अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि जो एमसीडी पीआरटी है उनके एग्जाम हुए तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो साथियों, इसे देख के, इस कमेंट को देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई है। जब हम धरना देने गए थे तो वहां पे कुछ ऐसी चीज हुई, जब हम धरना दे रहे थे तो उस टाइम वहां पर एक बंदा खड़ा था, तो हमें देख के वो हमारे पास आया और बोलने लगा कि भाई साहब क्या डिमांड है आपकी। हमने कहा जी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोल रहे कितना टाइम हो गया। हमने कहा अक्टूबर में एग्जाम हो गए थे और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बोल रहे भाई साहब अक्टूबर में एग्जाम हुआ है और इतनी जल्दी आप रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं। भाई साहब डीएसएसबी में तो 2012 के 2013 के रिजल्ट अब आ रहे हैं, अभी तो 2-4 महीने घर जाके सो जाओ, अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। तो ये चीजें हैं, बहुत धीरे काम कर रहे हैं। और अभी सीटेट का जो एग्जाम हुआ था, 1 महीने से पहले उन्होंने रिजल्ट तक दे दिया। और साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सीटेट में कम कैंडिडेट्स थे, नहीं, अराउंड 10 लाख कैंडिडेट्स थे, 10 लाख प्लस, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है इतनी जल्दी दे दिया। तो ये काम होता है मेहनत, लगन, कितना आप काम कर रहे हैं। और रही बात डीएसएसबी की, अगर डीएसएसबी कोई काम हैंडल नहीं कर पा रहा है तो सीटेट से, जो सीबीएसई है उनसे कॉन्टेक्ट करें, सीबीएसई वालों से बात करें कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर डीएसएसबी को देख के कहा जाए ना कुछ,
तो मेरे पास शब्द नहीं है। अभी इतनी गंदी सिचुएशन हुई पड़ी है, तो सारा रीजन है डीएसएसबी। एक दिन एग्जाम हो जाता, सारी टेंशन खत्म। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसके बाद जयसिंह जी लिखते हैं, सर डीएसएसबी में न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो जयसिंह जी मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अभी काफी अफवाह चल रही थी वैकेंसी को लेके, लेकिन ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और जो मेरी सोर्सेज से भी बात हुई थी तो उन्होंने क्लियर बता दिया है कि उनके पास भी अभी कोई नोटिस नहीं है। अब अगर उन लोगों के पास जो यूट्यूब पे है वो नोटिस डाल रहे हैं, उनके पास कहीं से नोटिस आ गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि कोई वैकेंसी आने वाली है। और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आ जाएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। इसके बाद तो राकेश कुमार जी लिखते हैं, और ये कमेंट साथियों बहुत अच्छा लगा। तो राकेश जी लिखते हैं, सर आई एम ग्रुप बी ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी, स्टिल आई वॉच योर वीडियोज जस्ट टू लिसन योर वॉइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, और ये सब आप लोगों का प्यार है। कोई भी चीज, कोई भी काम करने का तब मन करता है जब सामने से कुछ रिस्पॉन्स हो, और आप लोग इतना प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और साथियों ये तो अभी शुरुआत है, अगर आप लोगों का साथ यूं ही रहा तो ये सफर बहुत लंबा जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। तो राकेश जी एक बार फिर दिल से आपको धन्यवाद। इसके बाद रुचिका जी लिखते हैं, सर इसकी लिस्ट कब तक आएगी? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो वैकेंसी आई थी, तो रुचिका जी उनके बारे में पूछ रहे हैं कि सर इनकी लिस्ट कब तक आएगी। तो रुचिका जी मैं आपको बता देता हूं, 13 जनवरी तक फॉर्म फिल होंगे, इसके बाद 18 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये वैकेंसी है 2-2.5 महीने के लिए, तो 18 जनवरी को आपकी आपका जो रिजल्ट होगा साइट पर आ जाएगा। इसके बाद है बैक टू स्कूल वाले जो सर हैं, वो लिखते हैं विप्लव जी, नाइस गोइंग डियर। तो विप्लव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, कमेंट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये कमेंट उस वीडियो पे है जिसमें हम धरना देने के लिए गए थे, तो इन सर ने कमेंट किया है वीडियो पे कि नाइस गोइंग डियर। तो विप्लव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद केशव जी लिखते हैं, सर केवीएस कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो केशव जी आपको बता देता हूं, कट ऑफ का आइडिया कुछ लोग बता रहे हैं 90 तक, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि 95 तक अगर किसी जनरल के मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों ये थे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हमने पढ़े हैं, और आपके अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलकर पढ़ेंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले एक साथी ने मैसेज किया था कि आप अपने हेटर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है। और रही बात हेटर्स की, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली होती है उसमें किसी के विचार मिलते नहीं है, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है कि वो अपनी समस्या बताए आके, मतलब मिलकर एक समस्या है जो भी उसका सॉल्यूशन करें। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, जिन साथियों को मुझसे कुछ ऐतराज है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती है तो मैं आपको उस चीज पे भी बताऊंगा। अभी 30 वाले एक साथी का मेरे पास मैसेज आया था और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़े पोलाइटली मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि सर आप 30 वालों का पक्ष नहीं ले रहे, आप और शिफ्ट का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि 30 वालों के साथ गलत हुआ है? तो मैंने उन साथी को रिप्लाई किया
कि भाई साहब जो 30 वाली शिफ्ट है, मुझे बिल्कुल पता है कि सेकंड जो शिफ्ट थी, सॉरी सेकंड जो पार्ट था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरा कोई ये नहीं है साथियों टारगेट कि मैं 30 वालों का पक्ष लूं, 13 वालों का, 14 वालों का या 28 वालों का। मेरे लिए सभी आप एक समान हैं। और इवन धरना दिया था हमने वहां पे, तो हमारी मांग सिर्फ ये थी कि सभी को बेनिफिट मिले, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। अगर आप मुझे सोच रहे हैं कि मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि सभी को बेनिफिट मिले, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, किसी का बहुत ज्यादा फायदा ना हो। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो ये गलती रही है वो डीएसएसबी की रही है। अगर एग्जाम एक साथ हो जाता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यूज, जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलकर जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।